ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। रामपुर से दानिश खान की रिपोर्ट के अनुसार रामपुर के एक गुरुद्वारे में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस विशाल रक्तदान शिविर में 100 से ज्यादा लोगों के रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस समिति द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। इस रक्तदान शिविर में काफी तादाद में लोग रक्तदान करने के लिए पहुँचे। आपको बता दें कि वीर खालसा सेवा समिति 2004 से ही ऐसे ही रक्तदान शिविर लगा रही है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी पर्व को समर्पित हर साल की तरह इस बार भी रक्तदान का शिविर लगाया गया है, जिसमें जिले भर से लोग आकर सभी समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और 101 लोग ब्लड डोनेट इस आज के रक्तदान शिविर में लोग करेंगे। वीर खालसा सेवा समिति द्वारा 2004 से ही रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं और रामपुर डिस्ट्रिक्ट में ब्लड की काफ़ी मात्रा में कमी पहले होती थी, लेकिन जब से हम लोगों ने कैंप लगाने शुरू किए हैं, हमारी संस्था द्वारा ऐसी ऐसी जगह पे रक्तदान शिविर लगाए गए हैं जहां रामपुर के इतिहास में अब तक नहीं लगे हैं, चाहे वो मिलक खानम हो, पटवाई हो, शाहबाद हो, कैमरी हो, मिलक हो, स्वार हो, बिलासपुर हो, सभी जगह पर वीर खालसा सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर लगाए जा चुके हैं। उसी के तहत रामपुर में भी आज एक विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने, पुरुषों ने, युवा लड़कों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और रक्तदान कर रहे हैं। KPC सर, आज ये ब्लड डोनेट कैंप लगाया है, कुछ जानकारी चाहिए, क्या मामला लगाया सर? ये वीर खालसा समिति हमेशा समाज के कल्याण के लिए काम करती आई है, उसी उपक्रम में आज ब्लड डोनेशन कैंप किया है। जो उन्होंने एक उद्देश्य बनाया है 101 लोगों का, जो शायद रामपुर में पहली बार होगा, और इनकी युवा शक्ति और इनकी परिश्रम और उसको देखते हुए इनका डेडिकेशन समाज के प्रति, मेरी तरफ से वीर खालसा समिति को बहुत बहुत बधाई। आप लोग समाज सेवा के काम में जुड़े हो, आज ये ब्लड डोनेशन सबसे अच्छा काम है। इस कैंप में कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया? अभी 101 का इनका आज का संकल्प है, 101 ये पूरा करके रहेंगे। अभी तक करीब 40 लोग कर चुके हैं और मुझे लगता है अगले 2-3 घंटे में इनके पास में ब्लड डोनर्स काफ़ी आए हैं, दूर दूर से आए हैं, 101 का आंकड़ा ये पूरा करें। लोगों को क्या संदेश देंगे सर? लोगों को संदेश भाईचारा सबसे बड़ा संदेश है, समाज सेवा सबसे बड़ा संदेश है, आपस में लोग जुड़ते रहें, काम करें और एक दूसरे के काम आए। रामपुर से दानिश खान की रिपोर्ट के अनुसार यूपी के रामपुर में एक बुजुर्ग किसान की 7 एकड़ जमीन पर भू माफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। यह किसान पिछले 26 सालों से अपनी जमीन से कब्जा हटाने की लड़ाई कर रहा है। किसान ने मुख्यमंत्री से लगाई इंसाफ की गुहार। जिला अधिकारी ने इस मामले में पीड़ित किसान को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। भू माफियाएं मेरी जमीन पर कब्जा कर रखा है, मैंने सबको प्रार्थना पत्र दिया है, साहब जी मेरी जमीन पर कब्जा कराया जाए। विनोद कुमार हैं जो मुझसे मुकदमा लड़ रहे हैं और इनका भाई है प्रमोद कुमार, जो कि मतलब जिला प्रमुख रह चुका है। 7 एकड़ तहसील मिलक में गाँव में नहीं पड़ता है, मैं नहीं में इनसे मुझे कब्जा दिलवाया जाए और मेरी जमीन को मतलब मेरी जमीन मुझको मिलनी चाहिए। सब फर्जी बशीर बंबा का मुकदमा दायर कर दिया, जो मामा के नाम बशीर की थी वो उसको मतलब इन्होंने उस बशीर से दूसरी बशीर बनाए, मामा को मार दिया। अच्छा, और बशीर से बंबा के फिर मुकदमा लड़ रहे हैं साहब। जैसे साहब SDM साहब के यहाँ से भी जीत गया, कमिश्नर से भी जीत गया, बोर्ड से भी जीत गया, सब जज से जीत गया, इन्होंने दोबारा से 229 SDM साहब के यहाँ कर रखी, उसमें उसका भी निस्तारण हो गया। मैं सब जगह दे रहा हूँ सर, मुख्यमंत्री को, CM हेल्पलाइन को भी मैंने अपनी दरख्वास्त लिखवाई है साहब। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ साहब मेरी जमीन मुझे वापस मिले और मेरी जमीन से मुझे कब्जा दिलवाएगा। वो तुम ही लड़ाई लड़ते हुए 26 साल हो गए, 97 से लड़ रहा हूँ सर। फिर उन्होंने वहाँ से पूछा है CM हरब्रांड साहब, आपका समाधान हुआ कि नहीं हुआ? धमकी का, हम जान से मार देंगे, हमारे खेत के पास आओ, अगर जो भी कांड होगा साहब तो मेरे इनके द्वारा होगा, मुझे इनसे जान का भी खतरा है। कौन जिम्मेदार होगा? ये होंगे विनोद कुमार, प्रमोद कुमार, ये ज्वाला प्रसाद के सगे भतीजे हैं, पूर्व विधायक ज्वाला प्रसाद के। जबरन कब्जे किए जा रहे हैं जमीन से रिलेटेड जितने सारे मामले हैं, उसमें मैंने तहसीलों को 15 दिन का वक्त दिया है। मैं इन सारे मामलों की समीक्षा करूंगा, जितने भू माफिया हैं उन सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सारे मामले जो भी हमारे पास आ रहे हैं सबको, सबके मामले में हम समीक्षा कर रहे हैं और सिर्फ निचले लेवल की रिपोर्ट पे नहीं, ऊपर तक हम इसका परीक्षण कर रहे हैं, ताकि किसी को किसी तरीके की शिकायत न रहे। शिकायतकर्ता से भी हम बात करके इसके बाद
उसका सबका निपटारा करेंगे, और जहां भी किसी ने कानून तोड़ने या कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, जिसने भी जो भी भूमाफिया हमें चिन्हित करके मिलेगा उसको निश्चित रूप से जेल में डालेंगे। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें एवन न्यूज टीवी से। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।